वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गोभी के परांठे की रेसिपी। तो आइए देखते हैं किस प्रकार ये बनाए जाएंगे। इसके लिए चाहिए हमें उबले हुए आलू, एक गोभी का फूल। इसे हम धोकर अच्छे से काट लेंगे। इसके बाद मैं गोभी को अच्छे से ग्रेट कर लूँगी। ग्रेट करने के बाद मैं गोभी को एक थाली में निकाल लूँगी। थाली में निकालने के बाद अब मैं इसमें एक छोटा टुकड़ा अदरक का ऐड करूँगी। इसे मैं घिस कर डाल लेती हूँ इसमें। अदरक डालने के बाद मैं इसमें दो छोटी हरी मिर्च काट कर डाल दूँगी। साथ ही में मैं इसमें उबले हुए आलू को मैश करके इसमें ऐड कर दूंगी। उबले हुए आलू हम इसमें बाइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसमें मैं हरा धनिया भी चॉप करके डाल दूंगी। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करूंगी। आप चाहे तो इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब मैं इसमें काली मिर्च ऐड करूंगी। सभी इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छे से मिक्स करके एक डो तैयार कर लूँगी, इनका एक मसाला तैयार कर लूँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके एक मसाला इसका रेडी कर लिया है। अब मैं परांठों के लिए आटा गूंद कर तैयार कर लेती हूँ। मैंने आटे में नमक डालकर एक सॉफ्ट डो गूंद कर तैयार कर लिया है। अब मैं परांठे के लिए एक गोल बनाकर मैं रोटी बेलकर उसमें परांठे की स्टफिंग भरती हूँ। स्टफिंग भरने के बाद मैं उसको चारों तरफ से बंद कर दूंगी और अपना जो भी एक्स्ट्रा आटा होगा उसमें उसको निकाल दूंगी। ऐसा करने से आपके परांठों में सिर्फ स्टफिंग का ही टेस्ट आता है, जो बीच में आटे का जो बन जाता है वो आपके परांठों में नहीं आएगा। ऐसा करने से आप भी ज़रूर ये टिप ट्राई कीजिए। एक्सेस आटा मैंने निकाल दिया है, मैं इसको अच्छे से बेलकर तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इसे दोनों तरफ से अच्छे प्रकार से सेक लूँगी। अब मैंने अपना परांठा तवे पर डाल दिया है और मैं इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेक कर तैयार कर लूँगी। अब मैंने इसमें ऑयल लगाया है। ऑयल लगाने के बाद मैंने इसको दोनों तरफ से हल्का ब्राउन होने तक को कर लिया। अब हमारा परांठा रेडी है। आप चाहे तो इसे दही के साथ, अब आप परांठे को दही के साथ या फिर अचार के साथ किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।